नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। ऐसी तमाम शिकायतें अलग अलग जिलों से आ रही थी। इससे पहले आपको बता दें कि 5 साल बाद ये परीक्षा हो रही थी जिसमें पुलिस भर्ती होनी थी और 60,000 से ज्यादा पदों पर इसकी भर्ती की जानी थी और इसमें कुल 48 लाख लोग भाग ले रहे थे। उन लोगों ने एग्जाम दिया था जिसमें 16 लाख महिलाएं भी थी। 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी जिसमें इन लोगों ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के 75 जिले और आसपास के राज्यों से तमाम अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन लगातार सियासी पार्टियां और तमाम लोग शिकायत कर रहे थे कि इसमें धांधली हो रही है और पेपर लीक हुआ है। हालांकि सरकार ने इस पर दावा किया था कि इसमें कहीं भी पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ घटनाएं भी सामने आई थी जो इशारा करती थी कि शायद इसमें पेपर लीक की संभावना है। गाजियाबाद से एक महिला पकड़ी गई जिसने अपने प्राइवेट पार्ट में एक ब्लूटूथ डिवाइस छुपाई थी जिसके जरिए वो नकल कर रही थी। इसी तरीके से सनी लियोनी के नाम से भी एक फर्जी एडमिट कार्ड बन गया था। कई और जगहों से ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें नोएडा से एक शिकायत आई थी जिसमें कहा गया था कि 95,000 रुपये चुकाने के लिए एक आदमी ने दूसरी की जगह पर परीक्षा दी। ये कुछ बानगी है इस मामले की जिसमें इस तरह की शिकायतें आई थी, लेकिन इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ऐसे ग्रुप चल रहे थे जो बता रहे थे कि वो पेपर लीक कर सकते हैं और उन्होंने इसके सबूत भी दिए थे। हालांकि शुरुआती जांच में पाया गया था कि ये सब मनगढ़ंत और फर्जी है। इसी के बाद सरकार ने फैसला किया था कि इसमें जांच की जाएगी। इसके लिए बकायदा सरकार ने एक पोर्टल पर शिकायत करने का तरीका भी लोगों को दिया था जिसमें 23 तारीख को शाम को 6 बजे तक वो शिकायत कर सकते थे सबूत के साथ कि किस तरह से धांधली की गई है। अगर सबूत दिया जाएगा तो उसके आधार पर फैसला होना था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।